हेलो मेरे प्यारे मित्र एवं मित्रानियों, तो कैसे हैं आप सब। होप आप लोग एकदम झक्कास होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे बिल्कुल मेरे तरह। मैं से भी अच्छा। अंजलि मैम का क्या स्टाइल है, मस्त है बैग टांगने का स्टाइल। तो हम चल दिए हैं सब प्रोफेसर लोग के पास कपड़ा कलेक्ट करने, क्योंकि हमारे पास कपड़ों की कमी हो गई है। इसलिए हम लोग चल दिए हैं कपड़ा कलेक्ट करने के लिए। आने का तो शाम में जा सकते थे, आपको धूप में क्यों उठाए हम लोग को बताइए। प्रोफेसर का लंच पीरियड अभी है। शाम में क्या लंच पीरियड नहीं है, 5 बजे के बाद भी तो वो फ्री रहते हैं। नहीं, उस समय फैमिली टाइम होता है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने मिशन पे। मिशन ऐसा है कि हमें सबसे कपड़ा चुन चुन के निकलवाना है, और जो नहीं भी अटेगा वो भी कपड़ा निकलवाना है, वो भी हमें कपड़ा लेना है। गुड मॉर्निंग सर, डोनेशन का कपड़ा कलेक्ट करने के लिए। थैंक यू सर। देखो हम लोग के गर्मी में क्या क्या करवाया जा रहा है। धावा सीधे सबसे आगे रीत मैम है, तो सीधे धावा बोलेगी। NSS के थ्रू आए थे कपड़े ले। कपड़े नहीं अच्छा है, बट मैंने निकाला नहीं है। आप कितने दिन में भी आओगे? और मैम शाम तक हाँ मैं निकालूंगी। ठीक है, थैंक यू मैम। इतने सारे लोग हैं, देखो इतने सारे लोग हैं, सब मिल करके सीधे कैमरा लेके धावा बोल रहे सबके रूम पे। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। NSS के थ्रू आए कपड़ा कलेक्ट करने के लिए। इतना सारा है, ये तो खुला ही है पूरा। घर को कितने अच्छे से कस्टमाइज करके रखे। अरे हम लोग के साथ फोटो सर, वो मस्त एंजॉय कर रही है। कैसे इसके थ्रू आए कपड़ा कलेक्ट करने सर? हम निकाले नहीं है, शाम में एक टाइम बना दो ना, उस टाइम पे। हाँ वो सर, वो बता सर बता देंगे। थैंक यू सर। देखो गाइज, अब हम लोग हिम्मत करके घुस रहे हैं प्रिंसिपल क्वार्टर में, यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए कपड़ा। संभल के बोला, यहाँ पे बड़ा हिम्मत करके घुसे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम लोग को जाना चाहिए कि यहाँ। लेकिन जब मैन कॉलेज के हेड वही है, तो उनके पास कलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या कलेक्ट ना इसमें, क्या कह सकते हैं आप इस पर। बिल्कुल सही बोला, सबसे ज़्यादा जरूरी वही तो। ना कष्ट को बताइए, कम से कम पानी वानी पूछे बैठा हुए, एसी वैसी है, सारे प्रोफेसर पार्टनर में बैठा है, थोड़ा कितना गर्मी में हम लोग घूम रहे। यहाँ जो एसी वाला हवा चल रहा है वो आपके लिए कम है, देखिए आपके लिए भगवान चला दिए, कोई नहीं इधर पूछा था। इतने फैन रहने के बाद इतने, इसलिए इतना ठंडा ठंडा हवा हम लोग के लिए चल रहा है। लोग बेदर्द हो सकते हैं, मौसम नहीं। हाय 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 हाय। गाइस अगर आप लोग प्रिंसिपल क्वार्टर का टूर देखना चाहते हो यहाँ का, तो मेरे को कमेंट करो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश ही कर सकती हूँ, जा तो नहीं सकते हैं, तो कोशिश करूँगी कि आप लोग प्रिंसिपल क्वार्टर का टूर करवा सकूँ। बाकी बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। ये है मेन एंट्रेंस गेट, इधर है घर, और इधर है कुछ दोस्त लोग जो कपड़ा कलेक्ट करने आए हैं मेरे साथ, और ये है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। तो अभी कपड़ा कलेक्ट करने का बहुत सारे क्वार्टर में हमने कलेक्ट कर लिया, और बहुत सारे क्वार्टर में थे जो आज सैटरडे ना, तो सर लोग जो भागलपुर वाले वो भागलपुर चले गए, और बहुत सारे में सर लोग अभी थे नहीं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि शाम के टाइम होगा तो जाएंगे, शाम के टाइम जा करके जहाँ बचा हुआ है कहीं कहीं कलेक्ट कर लेंगे। गाइस देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पार्टी चल रहा है बाय रूपाली में। लास्ट वाला बोलता है ज्यादा शरीर में लगता है इसलिए तुमको दिए। हम लोग को ना ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे कचरा वाला आता है ना कचरा लेने, वैसे ही हम लोग को लग रहा है हम लोग आ रहे हैं कपड़ा वाला आया, देखो कपड़ा निकाल वाला फीलिंग आ रहा है हम लोग को। थैंक यू सर। स्वागत है दोस्तों आपको इस अंधेरी नगरी, अंधेरे लोगों के बीच में। सर मेरे को एक चीज़ पूछना था कि ये जो आप इतने सारे कपड़े कलेक्ट कर रहे हो, तो मतलब ये इस चीज़ को लेकर के क्या चीज़ ये है क्या? एक्चुअली कल है 20th जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, तो इस रिस्पेक्ट में हम लोग जो पुराने कपड़े हैं जो पहनने लायक हैं और अच्छे कपड़े हैं, उन कपड़ों को हम गरीबों में डोनेट करेंगे, जिससे कि नए कपड़े दोबारा ना खरीदा जा सके, ठीक है, और ये कपड़े दोबारा से रीयूज़ किया जा सके। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए 3 R की ज़रूरत होती है, रीयूज़, रिसाइकिल और रिट्रीट, ठीक है, तो इसमें से हम एक R का यूज़ कर रहे हैं जो है रीयूज़, तो इससे हमारा नेचर सेफ रहेगा। और ये NSS क्या, हम लोग रोड जा कर के ये NSS कर रहे थे, तो ये NSS का या फिर कुछ कॉलेज का अपनी तरफ से?
ये NSS का भी पार्ट है, कॉलेज का भी पार्ट है, बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर और बीइंग एज अ इंजीनियर इन एनी बैकग्राउंड, ये हम लोग का दायित्व है कि हम लोग एनवायरनमेंट के साथ सावधानी से पेश आएँ और उसका ध्यान रखें जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बना दें। थैंक यू सर। गाइस इसी के साथ हमारा आज का ड्यूटी होता है खत्म, हमारा कपड़ा कलेक्शन करने वाला काम होता है खत्म। अब हम लोग का जो दूसरा काम है वो कल है, मतलब जो हम लोग कपड़ा जो भी कलेक्ट किया ना उसको जा करके जैसे सर ने बताया सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, ठीक है, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। बाय बाय।